पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के बयान पर पलटवार करते हुए आरएसएस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश की ताकत है, देशभक्ति की पाठशाला है। ऐसे सामाजिक संगठन पर अशोभनीय टिप्पणी करना देशभक्तों का अपमान है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि कांग्रेस बताए कि आज़ादी की लड़ाई के 250 सालों के इतिहास में कौन सा कांग्रेसी शहीद हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पन्ने पलटने शुरू कर दें तो कांग्रेसी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, पूरी आजादी की लड़ाई के इतिहास में 250 सालों में एक भी कांग्रेसी अगर शहीद हुआ हो, कुर्बान हुआ हो, अपनी जान दी हो, तो जरा वो जानकारी बताएं। और ये तो इतिहास में है कि गांधी जी के साथ में बहुत सारे बड़े नेताओं ने किस प्रकार का व्यवहार किया, गांधी जी की इच्छाओं को पूरा नहीं होने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी ये स्वयं संघ की शाखाओं में गए हैं और उन्होंने कहा कि देशभक्ति के लिए जितना बड़ा काम और पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन के समय जितनी सेवा का काम आरएसएस के लोगों ने किया है और आज भी आरएसएस इस देश में के हर संकट के समय पर खड़ी रहती है, जिस प्रकार का काम करती है उसके बारे में मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आरएसएस का फोबिया हो गया। अब कांग्रेस जो है आरएसएस से घबराने लगी है, डरने लगी है। अरे तुम आओ ना भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं, जो देशभक्ति का काम करती हैं, उनके बारे में बोलकर आप क्या करना चाहते हैं? आप देश में जो देश के प्रति समर्पित लोग हैं, आप उनका अपमान करें।